उसका अधिक महत्व है। दो तीन उदाहरण इसमें बताए गए। एक आम का वृक्ष होता है ना, अब आम का वृक्ष के ऊपर जब फल आता है तो फल आता कहां से? उसी वृक्ष में से ही सब कुछ आता है ना, उसका रस, उसका छिलका, उसकी गुठली। कुछ जड़ में से आता है, कुछ शाखा में से आता है, कुछ पत्तों में से आता है, जमीन में से जड़ लेकर के उसको। तो इसका अर्थ कि वो जो पेड़ है आम का, उसके कण कण के अंदर वो रस है आम का बसा हुआ, जिसको वो एक फल के रूप में देता है। तो वह आम के फल की प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत, उसको तो समय लगेगा आने में। क्यों ना हम सोचें कि चलो उसकी शाखा को तोड़ें और उसमें से छील करके उसको खाएं तो उसमें से आम का रस मिलेगा। युक्ति से उससे नहीं मिलेगा, पत्ते में नहीं मिलेगा। जब अलग एकत्रित होकर के वो फल के रूप में आएगा तो उसकी प्राप्ति होगी, हमारे शरीर की पुष्टि भी होगी और हमारे पेट की तृप्ति भी और जीभा का स्वाद भी। इसी प्रकार घी, दूध में घी होता, जब दूध में घी होता है तो घी को निकालने की तो जरूरत नहीं, दूध से ही क्यों नहीं काम ले लेते। रोटी बनाए, चम्मच दूध का लें, उसके ऊपर लगाएं कि घी घी इसमें लग जाएगा, लेकिन ऐसा संभव? युक्ति से दूध को जमाएंगे, मथेंगे, फिर छाछ निकालेंगे, मक्खन निकालेंगे, उसको फिर गर्म करेंगे और युक्ति से उसको निकालेंगे। दूध आपका दो दिन तीन दिन फ्रिज में भी ज्यादा समय तक दूध नहीं रहता, लेकिन वो घी बिना फ्रिज के भी लंबे समय तक चलता है और वो घी हमारे शरीर की भी पुष्टि करता है। देवा नाम रसवर्धनम, और देवताओं की भी ओम अग्नये स्वाहा घी की आहुति देते हैं। दूध की क्यों नहीं देते? देवताओं को निवेदन करेंगे, भाई हम दूध डाल रहे हैं, इसमें से घी आप ले लो, बाकी छोड़ दो। लेकिन जैसे ही दूध डालेंगे अग्नि शांत होने लग जाएगी। युक्ति से जब उसको अलग कर देते हैं तो वो लाभकारी भी होता है और लंबे समय तक चलने वाला। कहते इसी प्रकार वेद मंत्रों को जल्दी किसी को समझ नहीं आती। आज यही तो कर रहे हैं सब, कि अपने अपने स्वार्थ के अनुसार उसका अर्थ निकाल के अनर्थ कर रहे हैं। लेकिन महापुरुषों ने हम जैसे सामान्य जीवों के ज्ञान के लिए क्या किया, उसका सार निकाल करके अलग कर दिया श्रीमद् भागवत के रूप में। और उस सार को आप सरलता से समझ सकें, सरलता से जान सकें और अपने जीवन में कर सकें, उन्होंने हमारे सामने श्रीमद् भागवत को परोस दिया। नारद जी की बात समझ में आई। हमें भी भगवान की चर्चा का कभी कभी किसी मंदिर में जाके इतनी शांति मिलती है कि लगता है हम यहाँ बैठे रहे। करते हैं ऐसा अनुभव कभी? और किसी किसी जगह पर जाते हैं तो मन कहता है कि बस जल्दी से उठ के, ये वहां के एटमॉस्फेयर का प्रभाव, जर्म्स, जहां हर समय पाठ पूजा चलता है, अच्छा कर्म होता हो, वहां के परमाणु भी इतने पवित्र हो जाते हैं कि वो जिसको स्पर्श करते हैं उसको पवित्र करते हैं, और जहां गलत काम होता हो वहां परमाणु अपवित्र होते हैं, स्पर्श करते ही हमें अशांत कर देते हैं। इसलिए कहते हैं हम वहीं कथा करेंगे जहां पर ऋषियों ने तप किया, आनंद नामक तट पर। बहुत अच्छा, चले लेकर के। अब नारद जी भी बड़े प्रसन्न कि चलो भक्ति, और उनको कथा से कोई मतलब नहीं था, अभी तक उनको कथा के प्रभाव का पता भी नहीं था, लेकिन केवल इसलिए प्रसन्न थे कि आज भक्ति के दुख का निवारण हो रहा है। प्रभु प्रेमियों, किसी के सुख में जा सको ना जा सको कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी के जीवन में दुख हो तो आप जाके दो शब्द जरूर बोलो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। जब आपके मन में दूसरों के दुख को दूर करने की प्रवृत्ति आ जाएगी तो समझ लो आधा रास्ता आपका पुण्य का पार हो गया। अभी हम दूसरों की खुशी में तो जाना चाहते हैं, दुख में नहीं, और कभी कभी दूसरे के दुख में जाते भी हैं तो उसके दुख में खुशी मनाने जाते हैं,
ऊपर से तो कह दे हैं कि अच्छा नहीं हुआ, मन में कहते अच्छा तेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, वो दुख नहीं। आपके मन में जब भाव आएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उस दिन आप असली पुण्य कार्य करने गए हैं। केवल इसलिए प्रसन्न है कि भक्ति का दुख दूर होगा, तैयारियां हो गई। धीरे धीरे समाचार बढ़ा, एकदम नहीं बढ़ता ना, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे समाचार पहुंचने लगा सब तक। क्या समाचार पहुंचने लगा कि सनक संदन महर्षि कथा करेंगे और नारद जी कथा करवा रहे हैं। अब सब लोग वहां पहुंचने लगे, बैठने वालों की व्यवस्था हो गई, व्यास पीठ पर बैठने की सब व्यवस्था कथा जहां कथा हो रही थी वहां पर ये जो नदियां थी, गंगा आदि नदियां भी अपना रूप धारण करके पहुंच गई, वेद मंत्र भी अपना रूप धारण करके पहुंच गए, ऋषि मुनि जो जंगलों में तप करते थे वो भी पहुंच गए। कुछ के मन में कि हम तो तपस्वी हैं, हम क्यों जाएं, हमें जाने की क्या जरूरत है, लेकिन कहते उनको भी दूसरे ऋषि पकड़ पकड़ के लाए। बड़े बड़े ऋषि इसमें भृगु जी हैं, चैवन हैं, परशुराम जी, विश्वामित्र, इस अमृत का पान करने के लिए सबके सब पहुंचे। कथा में आना, अच्छे काम को करना, सत्कर्म को करना पुण्य है, लेकिन दूसरे से करवाना वो महापुण्य है। इसलिए पकड़ पकड़ के ला रहे हैं कि चलो आप कथा को सुनो। अब चारों कुमारों में से सबसे बड़े थे सनत कुमार जी महाराज, व्यासासन पर बैठ गए और बैठ करके कथा कहने शुरू की। सबसे पहले इसका महात्म्य कह रहे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण परिश्चित्तं समाश्रये। कहते हैं निरंतर सेवन करना चाहिए। सदा सदा सेवा मैंने निरंतर श्रवण करना चाहिए। किसका? श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। अब यहां थोड़ा सा ये समझ लें कि भागवत है क्या, भागवती कथा है क्या, मतलब भागवत पुराण के अतिरिक्त और कुछ ना सुने। भागवत कहते हैं भक्त को, भागवत किसको कहते हैं, भक्त को। जैसे परम भागवत प्रहलाद, परम भागवत ध्रुव, भगवान के भक्त। तो भागवत की कथा का मूल क्या है सुनने का, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा सदैव सुननी चाहिए। किसकी? भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, क्योंकि भक्त की कथा होगी तो भगवान का परिचय तो आएगा ही ना, पिता का परिचय, पुत्र का परिचय देंगे तो पिता का नाम, ये कौन बालक है तो पहले पिता का परिचय देंगे ना, इसका बालक है। तो जहां भक्त की कथा होगी वहां भगवान, तो कहते भगवान और भक्तों की कथा निरंतर सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। क्या क्यों सुननी चाहिए? कहते यस्यः श्रवण मात्रेण, जिनका श्रवण मात्र कर लेने से जो भगवान हृदय में आ जाते हैं, हृदय में आ जाते हैं, तो फिर उनका क्या कहना, किनका? कहते जो सदा के लिए उसमें समाहित हो जाए। श्रवण मात्रेण से कैसे, अब आप लोग कथा में आए, 5-6-7 दिन लगातार कथा में आएंगे, कीर्तन करेंगे कथा, तो रात को स्वप्न में क्या दिखेगा, बोलो ना जोर से, भगवान, कथा, यही दिखेगा ना। अच्छा, कोई कोई ऐसी कीर्तन की ध्वनि, कोई ऐसा भजन जो मन को छू जाता है, आप कुछ भी करते होंगे आपकी जीवा से अपने आप
तो कहते आपने तो श्रवण किया ना, अभी श्रवण करने मात्र से जो हृदय में आ जाते हैं अगर उनको आत्मसात कर लेंगे तो फिर तो कहना ही क्या, तो कहना ही क्या। कहते इसलिए सदा सेविया, निरंतर सेवन करो, लेकिन ध्यान देना उन्होंने सदा श्रवणम नहीं कहा, क्या श्रवण नहीं कहा, क्या कहा, सेव्या, सेव्या मैंने सेवन करना, सेवन करना मतलब ग्रहण कर लेना। घर में मेहमान आते आपके तो क्या करते हैं आप, चाय नाश्ता पानी दूध केसर कुछ देते होंगे ना, और बस संकोच बस नहीं लेता तो क्या करोगे, अरे भाई लो ये खाने के लिए रखा है देखने के लिए। थोड़ी सी भाषा परिवर्तन हुआ, पहले लोग कहते थे सेवन कीजिए, सेवन करने के लिए रखा है, बोलिए बांके बिहारी लाल की, सेवन करना में थे ग्रहण करो, आप मुख में डाल के अपने पेट तक ले जाओ, सेवन करो। भगवान कहते हैं कि श्रवण करने से जब आ जाते हैं तो सेवन करने से तो जीवन ही धन्य हो जाएगा, अर्थात उनको हृदय में तादात्म्य सबदम से जोड़ लो, अपने हृदय में धारण करो। सेव्या, मनुष्य अज्ञान में संसार में तभी तक भ्रमण करता है जब तक भगवान की मंगलमय कथा उसके कानों में, एक बार किसी के कान में ये कथा पड़ जाए तो बड़े से बड़े असुर प्रवृत्ति के लोग भी बदल जाते हैं। मुक्ति प्रदान करने के लिए इससे बढ़के कोई साधन इस कलयुग में दूसरा नहीं है। जो व्यक्ति सदगति चाहता है उसे तो प्रतिदिन अपने मुख से भागवत के श्लोक पढ़ने चाहिए, प्रतिदिन सरल भाषा में जो भागवत का अर्थ सुनाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुनने वाला सुनाने वाला दोनों के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और मृत्यु काल के समय जिसके कान में भागवत की कथा का एक छोटी सी ध्वनि भी पड़ जाए, कहते फिर दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि कान में शब्द गया सारे पाप तो धुल गए, द्वारा पाप तो किया ही नहीं, मुक्त हो गया। और हम लोग जी रहे हैं तो किस लिए जी रहे हैं ऐसे, क्योंकि पाप साथ साथ में धो रहे हैं, लेकिन दोष ये हो जाता है कि कथा सुन करके पाप धोते हैं और दूसरा पाप अगर दूसरा नहीं करे तो वही कल्याण हो जाए, वही मुक्ति हो जाए। आ जन्म मात्रम अपि येन शठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, पूरा जन्म निकाल दिया मैं मनुष्य और उस मूर्ख ने, जिस मूर्ख ने कभी सुख शास्त्र कथा का, इस कथा का पान नहीं किया, कहते वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। वो कैसा है, चांडाल वच खरवद वत तेन नीतम, कहते जैसे चांडाल होता खर में, जैसे गधा होता है पशु होता, उसके समान उसका जीवन है। भले ही शरीर मनुष्य का मिले लेकिन उसका जीना उस पशु के समान है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, उसने जो माता के गर्भ में रहकर 9-10 महीने माता को कष्ट दिए उसका फल भी उसको भोगना पड़ता है। क्यों, कहते श्रीमद् भागवत के समान इस कलयुग में और कुछ है ही नहीं, ना जप ना तप ना योग ना समाधि, ये सब छोटे रह जाते हैं इसके आगे। केवल श्रीमद् भागवत को पढ़ो समझो और करो। याद रखना तीसरा चरण जो हमारे जीवन में नहीं है उस तीसरे चरण को जीवन में जरूर ले आना, भागवत सफल हो जाएगी। ये तीसरे चरण की कमी है हम लोगों में, करो की, वो हमें आज जोड़ना है। पढ़ो समझो और करो, भागवत तो कहती आओ आओ मेरी शरण में आओ। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाद ज्ञानाच्च गर्जति क्रीम ब्रूमो गर्जनम तस्य रेरे गर्जति गर्जति, आओ मेरी शरण में। मेरी शरण में आ गए तो पाप कोई टिकेगा ही नहीं जीवन में, कल्याण ही कल्याण। अब ऐसी भागवत की महिमा कर रहे
तो शौनक जी सूत जी से पूछते हैं, भगवान इस पुराण का इतना महत्व क्यों है, क्या विशेषता है इस पुराण की जो इतना महत्व इसका बता रहे हैं। कहते हैं उसका कारण है, सूत जी ने बताया कि जिस समय भगवान इस पृथ्वी का त्याग करके जा रहे थे तो उस समय उद्धव ने कहा, भगवान आप तो ये धाम छोड़ के जा रहे हैं, पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हैं, और आपके जाते ही इस पृथ्वी पर कलिकाल अपना आक्रमण कर लेगा, तो जो भ्रष्ट हैं वो तो हैं ही, आपके सत्पुरुष भी उन भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर भ्रष्ट हो जाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा।